भाइयों राम राम। भाइयों मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। भाइयों आज हम बात करेंगे ज्वार से रिलेटेड। देखिए भाइयों ये ज्वार चल रही है अब फिलहाल हमारे पास में गन्ने के गोले के साथ साथ में हम इसे भी खुआ रहे हैं रलाकर, दोनों को एक जगह मिक्स करके। देखिए भाइयों ये ज्वार जो है हमने लास्ट बरसात में बोई थी और इसका बीज भी जो है हाइब्रिड बीज था और इसको कोई पानी भी नहीं आया, ये केवल ओस ओस के पानी से हुई है या प्राकृतिक पानी से। आगे आप देखना बीज भी जो है आपको बताऊंगा। देखिए भाइयों ये वही ज्वार है जो गुजरात में लोग बाग पोंग खाते हैं, इसी को भून के खाया जाता है। गुजरात में इसे पोंग बोलते हैं, पोंग। देखिए भाइयों कितना अच्छा फल आ रहा है इसके ऊपर, बिल्कुल लाजवाब। और भाइयों ये वीडियो मैंने आज ही बनाई है। देखिए ये खड़ी ये रही, देख देखिए। और भाइयों इसे कोई भी पानी नहीं आया, केवल बारिश का पानी आया है, कोई पानी इसको नहीं आया, केवल प्राकृतिक ऊपर रही है ये। और भाइयों हमने इसमें कोई भी यूरिया किसी भी प्रकार की दवाई नहीं डाली, ये फुली ऑर्गेनिक कर रखी है। देखिए आप, और इसे डंगर खा भी बहुत अच्छे रहे हैं। देखिए आप ये साइड में जो है डिंगारा लग रहा था। देखिए यदि किसी ने इसको छेड़ दिया तो बस खैर नहीं मान है। देखिए भाइयों ये हमारा आदमी जो है अब ज्वार लेके जा रहा है लोड करेगा। देखिए भाइयों ये तिरुपति कंपनी की ज्वार थी, चारू कंपनी जो है। और भाइयों ये कई तरीके के सीड बनाती है, तरबूज के भी, भिंडी, टमाटर, और बहुत ही अच्छे सीड्स हैं इसके।